अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, पत्तोकी में एक शादी की तकरीब के दौरान बारातियों ने एक पापड़ बेचने वाले गरीब शख्स पर पापड़ बेचने पर हुई तकरार के दौरान उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। बारातियों ने उस पर इतना तशद्दुद किया कि वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। दोस्तों, इंसानियत की धज्जियां तो उस वक्त उड़ाई गईं जब उस बेचारे गरीब पापड़ बेचने वाली की लाश को शादी हॉल में ज़मीन पर लिटाकर ऊपर कपड़ा डाल दिया गया और उसी हॉल में बाराती मज़े से शादी की दावत उड़ाते दिखाई दिए। अल्लाह अकबर, कैसी बेहिसी है। दोस्तों, ये वाकया पत्तों की शहर में मौजूद अलजन्नत मैरिज हॉल में पेश आया, जहां मोहम्मद अशरफ नामी शख्स, जो एक गरीब मजदूर था और पापड़ बेचकर अपने बच्चों का रिस्क कमाता था, इसी गर्ज से मोहम्मद अशरफ उस दिन भी पापड़ बेचने के लिए शादी हॉल पहुंचा। बारातियों ने उसको शादी हॉल के अंदर आकर पापड़ बेचने से मना किया। इस बात पर बारातियों और मोहम्मद अशरफ के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद बारातियों ने मोहम्मद अशरफ को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और उस पर इतना तशद्दुद किया कि मोहम्मद अशरफ अपनी जान की बाजी हार गया। दोस्तों, इस गरीब शख्स की जान लेने के बाद भी उन बेहिस लोगों के दिलों में कोई रहम ना आया और उसकी लाश को ज़मीन पर ही फेंक कर उस पर कपड़ा डाल दिया गया और दीगर बाराती उसकी लाश के सामने ही बैठ कर बारात का खाना खाते रहे। ये वाकया कानून नाफिज करने वाले इदारों और बहसियत मुसलमान एक कौम होने के नाते हम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इंसानियत की तजलील इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती कि एक बेगुनाह शख्स को कत्ल कर दिया गया और उसके सामने बैठकर खुशी की दावत उड़ाई गई, जैसे मानो कोई इंसान ना मरा हो बल्कि कोई जानवर मर गया हो। हमारी वज़ीरे आला पंजाब उस्मान बज़दार साहिब से ये पुरज़ोर अपील है कि ज़िम्मेदारान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और गरीब मोहम्मद अशरफ के वर्सा को माली इमदाद भी दी जाए। अल्लाह सुबहाना व ताला हम पर अपना रहम फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।